अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखा भाभी आपने, मलिष्का ऋषि से कितना प्यार करती है, किस पागल से भी व्रत रखवा लिया। रब के खेल भी न्यारे हैं। देखो इसकी दिमागी हालत जैसी भी है, फिर भी इसने व्रत रखा। वीर हाँ दादी, और इसलिए हम चांद को देखने आए थे। माँ, आप ठीक है ना? हाँ। चांद निकलने में तो लगता है कि वक्त है अभी, तब तक बैठते हैं, इसे भी बिठाओ। लक्ष्मी, डरने की जरूरत नहीं है, सब परिवार वाले, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आयुष, आज फिर से एक बात साबित हो गई। क्या? कि दी चाहे जो भी हाल में हो, वो जीजू को और उनके प्यार को कभी भूल नहीं सकती। देखो ना, दी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करवा चौथ क्या होता है, क्यों रखते हैं, फिर भी व्रत रखा है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो जीजू से प्यार करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहाँ भी हो जाए ना, तो भी दी और जीजू को कभी कोई अलग नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तो अच्छी बात है ना, होना भी यही चाहिए, इन दोनों को कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। चाहे हजार मुसीबतें आए, हजार इम्तिहान देने पड़े, इन दोनों को कभी अलग नहीं होना चाहिए, नेवर। चंदा मामा कब आएंगे? तुम 10 तक काउंट करो, चंदा मामा आ जाएंगे, काउंट करना शुरू करो। चलो। ओके, शुरू करो। 1, 2। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अपने मन में काउंट करो बिना कुछ बोले। पूरे होते आ जाएंगे? हाँ, पूरे होते आज, मतलब नहीं आए तो फिर से काउंट कर लेंगे, लेकिन अभी अपने मन में ही करो। ओके, चलो वापस से शुरू करो। चांद आ गया। दी, चंदा मामा आ गए। ये चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, खाना खाएंगे, चंदा मामा आ गए, खाना खाएंगे। नो, मॉम तो अभी आरती उतारने के लिए दिया जलाएंगी, और अगर लक्ष्मी ने आग देख ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लक्ष्मी को आग नहीं दिखनी चाहिए। क्या करूं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।